और दलाल लोग, भाजपा के दलाल लोग, अपने औकात में रहो तुम, बता देना चाहता। बाबूलाल मालिक नहीं है मेरा, तो अगर जामताड़ा घुसेगा तो विरोध होगा। समाधान कैसे निकलेगा और ये उग्र जो हो रहा है मामला धीरे धीरे, इसको शांति कैसे किया जा सकता है? देखिए अभी मैं चिरूड़ी आया हूँ और यहाँ आकर जो मुझे सच्चाई मालूम चल रहा है, यहाँ तो कुछ मामला है ही नहीं। ये जमीन का मामला है, लेन देन का मामला है और किसी के मन में पाप आ गया। तो पेपर कहाँ है जी? और ये एसडीओ ने जब बदनामा किया, एसडीओ ने बदनामा किया था 2000 कब का है, 2004 में एसडीओ ने बदनामा किया। जब आप जमीन का पैसा ले लिए, जमीन आप बेच दिए, तो फिर इसमें राजनीति किस बात का? अगर इस तरह से होगा तो हमको लगता है कि पूरा जामताड़ा खाली हो जाएगा। फिर तो जामताड़ा में जितने लोग बाहरी आके बसे हैं, एक भी नहीं रहेगा तब तो। इसलिए मैं इंसाफ करने के लिए आया हूँ। जो दलित लोग हैं, मोली लोग हैं यहाँ पर, सब लोग बहुत मानता है, लोग बहुत प्यार से रखता है, और आज भाजपा के कहने पर वो लोग उसकाया जा रहा है। यहाँ दलितों पर अत्याचार का मामला नहीं है, यहाँ जमीन का मामला है। जमीन किसने खरीदा है, किसने बेचा है, ये जांच का विषय है। और आज राजनीतिक रूप दे रहा है भाजपा को कुछ दलाल लोग, मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ, रमजान मियाँ देखिए, यही है रमजान मियाँ, ये विकलांग है बेचारा, इतना गरीब आदमी है, इस पर बोलता केस हो गया, कैसे केस हो जाएगा भाई इस पर? इसलिए मैं कहूंगा कि इसकी जांच होगी। और जो साजिश करता है जामताड़ा में साजिश करता, कुछ दलाल है, भाजपा के कुछ दलाल लोग है, और मैं कुछ महिला लोग बाहर से लाया है, वहां बैठा दिया है, इसलिए उनसे कहूंगा इस मामले में, इस कचड़े में मत फंसिए। कुछ महिला लोग को बाहर से लाया है, यहाँ 5-6 परिवार है यहाँ पर जो बैठा हुआ है, धरना दे रहा है, रात में खाली हो जाता है, दिन में पैसा दे के उसको ला देता है। मैसेज गलत जा रहा है, समाज को बदनाम ना करे, और दलित हमारा है और अल्पसंख्यक भी हमारा है। बाहर से जो नेता लोग आ रहे हैं उनसे भी कहूंगा, चोर उर के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, जनता जानता है किसी के साथ इरफान अंसारी ना इंसाफी नहीं होने देगा। मेरे मन में था कि हो सकता है कि कुछ गलत किया होगा, ये लोग रमजान मियां कुछ गलत किया होगा, लेकिन यहाँ आके देख रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा पाक आदमी है, बेदाग आदमी है भाई। ये आदमी इस तरह से माहौल को खराब करेगा, उसके इरफान अंसारी बर्दाश्त नहीं करेगा, मैं कहना चाहता हूँ। और दलाल लोग, भाजपा के दलाल लोग, अपने औकात में रहो तुम, बता देना चाहते हैं। इस तरह से करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। लोग हमारा है, कोई भी आदमी हो, किसी के साथ भी होगा, जुल्म होगा, हम उसको सहन नहीं कर सकते। जमीन लिया है, जमीन बेचा है, एसडीओ का साइन है, एसडीओ का बदलनामा है, पर्चा कट रहा है, रसीद कट रहा है, और तुम लोग डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद, डॉक्टर इरफान अंसारी जिंदाबाद। यहाँ सारे दलित लोग भी हैं मेरे साथ, यहाँ सारे दलित लोग आए हुए हैं, दलितों के साथ। ये लोग खुद कह रहा है कि नहीं सर, ये भाजपा लोग बदनाम कर रहा है, दलित परिवार लोग सारे लोग हैं यहाँ पर। न्याय के लिए बातचीत होना चाहिए, विरोध जब दलित लोग यहाँ कह रहा है कि भाजपा गलत कर रहा है, तो जब यहाँ दोनों मिलके है और कुछ लोग चला गया पैसा के लेकर, वहाँ बैठा दिया है, हर रोज 7000 रुपए दे रहा है भाजपा लोग उसको, और बोलता है हल्ला करो। हाँ। ये सच्चाई मालूम चल रहा है मुझे, इसलिए मैं इसमें नहीं होने दूंगा, गलत नहीं होने दूंगा। और जिला प्रशासन से मैं कहूंगा, कुछ दलाल लोग रूटीन बना लिया है इसको, तरुण गुप्ता को अरेस्ट करवा दिया झाड़ू दारू देकर, बेचारा शरीफ आदमी था। इस तरह से कई लोग का होगा, अगर इसको नहीं रोकेंगे, जानता हूँ जनता और कुछ मीडिया कहना चाहता हूँ, आप लोग सच्चाई दिखाइए, गलत मत दिखाइए, तो आप लोग जो बाहर की मीडिया लोग बसा है उसको भी ये बेदखल करेगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग एक रहिए, सच का साथ दीजिए, और आई थिंक नहीं, और बाहर से जो नेता आ रहे हैं उसको प्रशासन अरेस्ट करे उसको। बाबूलाल मालिक नहीं है मेरा, तो अगर जामताड़ा घुसेगा उसका विरोध होगा, उसको जो बाहर से नेता आ रहा है उसका विरोध कीजिए। यहाँ दलित लोग है, मुस्लिम लोग है, मिलके है, कोई विरोध नहीं है, देखिए सब मिला हुआ है, देखिए। और कुछ लोग आके पैसा देके उसको, महिला लोग बाहर से लाया है, भाजपा कार्यकर्ता लोग है उसको, और जो भाजपा बोलता वही बोल रहा है, हम लोग दलित हमारे साथ है, ये रंग दे रहा है, रंग देना बंद करो। और प्रशासन को मैंने बोल दिया, जांच चल रहा है, और जो साजिश करता है, जो खिला पिला रहा है, जो बोलवा रहा है कि ऐसा बोलो वैसा बोलो, वो बहुत जल्दी वो जेल में होगा, याद रखिए, ठीक है? चलिए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।